दिग्विजय की खींचतान से नाखुश हाईकमान अब ले सकता है मध्य प्रदेश में यह एक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी में से आंतरिक कलह की आवाजें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये खटपट पार्टी के दो कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच चल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं में चल रही आपसी खींचतान और बगावत से पार्टी हाईकमान खुश नहीं है। दिल्ली में प्रदेश के नेताओं के साथ हुई बैठक के मौजूदा हालात पर और चुनाव पर मंथन हुआ है। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश दौरे की बात भी कही जा रही है। राज्य के दो बड़े नेताओं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच बेहतर तालमेल न होने की न केवल बातें सामने आई हैं, बल्कि कई मौकों पर इस बात का खुलासा भी हुआ है। उम्मीदवारी को लेकर दोनों नेताओं में सामंजस्य न होने की बातें भी सामने आई हैं। अचानक दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया तो सवाल भी उठने लगे थे, दिल्ली वाली बैठक में क्या हुआ। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में हुई बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत हुई और पार्टी हाईकमान ने कई मामलों में अपनी नाखुशी भी जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में हुई बैठक को वरिष्ठ नेताओं के मध्य प्रदेश प्रवास से जुड़ा हुआ बताया था। साथ ही सफाई देते हुए कहा कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह बुधवार को उनके और कमलनाथ के बीच तनाव की खबरों को झूठा बता चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास भारी धनबल है और वो इसका इस्तेमाल इस तरह की झूठी खबरों को फैलाने में कर रही है। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ के नेतृत्व में ही काम करने की बात भी दोहराई थी। मध्य प्रदेश में हो गई नामांकन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख बीत चुकी है। नामांकन की स्क्रूटनी भी हो चुकी है और अब राज्य चुनावों के लिए लगभग तैयार है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।